हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं बीएड सेकंड ईयर में, और आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा उसके लिए पहले हम चर्चा कर देते हैं। तारीख है आज 7/9/2020, विषय संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण और कक्षा है बीएड सेकंड ईयर, इकाई दो का अध्ययन कर रहे हैं हम। इकाई दो में सब अधिगम सामग्रियों के बारे में दे रखा है कि अधिगम शिक्षण सामग्री किस तरह से एक शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है, उपयोगी बनाती है, रुचिकर बनाती है, आनंददायक बनाती है। उन अधिगम सामग्रियों में हमने कंप्यूटर का पढ़ा और शापट के बारे में पढ़ा, पुस्तकालय के बारे में पढ़ा। आज हम शब्दकोश के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्दकोश का अभिप्राय, पहले अभिप्राय कर लेते हैं। शब्दकोश, कोश का वैसे कोश शब्द ये अपने एक आर्थिक एक वाणिज्य से ले रखा है। कोश का मतलब होता है कि रुपयों को एक जगह इकट्ठा करना, रुपयों को इकट्ठा करना है, उसको कोश कहा जाता है। तो वही वर्ड हम आज इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दकोश, यानी जिस वस्तु में, जिस जगह में, जगह पर शब्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है उसे शब्दकोश कहा जाता है। यानी शब्दकोश यानी इस जितने भी अपन बोलचाल की भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं उस किताब में शब्दकोश मतलब सभी शब्दों को जोड़ा जाता है। अब मैं इसकी परिभाषा बताता हूं। देखो, एक बड़ी सूची या ग्रंथ, एक बड़ी सूची या ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, जिसमें शब्दों की वर्तनी, शब्दों की वर्तनी, उनकी उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति उत्पत्ति व्याकरण विशेष, व्याकरण निर्देश अर्थ परिभाषा, अर्थ परिभाषा प्रयोग एवं अभ्यास, प्रयोग एवं प्रदान आदि का, आदि का उसमें सन्निवेश यानी समावेश, समावेश है, वह शब्दकोश कहलाता है। वह शब्दकोश कहलाता है, यानी एक ऐसा ग्रंथ या एक ऐसी सूची जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी उत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ परिभाषा, प्रयोग एवं प्रदान आदि का उसमें समावेश है, वह सभी क्या कहलाता है, शब्दकोश कहलाता है। शब्दकोश एक भाषी हो सकते हैं और द्विभाषी भी हो सकते हैं, यानी शब्दकोश एक भाषी भी हो सकते हैं और
द्विभाषी है। द्विभाषी में हो सकते हैं यानी दो शब्द हो सकते हैं अथवा बहुभाषी भी हो सकते हैं यानी तीन तरह का हो सकते हैं बहुभाषी तीन तरह के भी हो सकते हैं बहुभाषी ठीक है। अधिकांश शब्दकोश में शब्दों के उच्चारण के लिए भी व्यवस्था होती है। अधिकांश शब्दकोशों में शब्दों के उच्चारण के लिए भी व्यवस्था होती है जैसे अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि जैसे शब्दकोशों में शब्दों के उच्चारण के लिए व्यवस्था होती है यानी शब्द उच्चारण के लिए के लिए शब्दकोश होता है जिसमें देखो अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि और देवनागरी में ऑडियो संचिका संचिका आदि होते हैं ठीक है ना। अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दकोश हो सकते हैं बोला अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग शब्दकोश हो सकते हैं। सभ्यता संस्कृति के उदय से ही मानव ज्ञान जान गया है कि भाव के सही संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन आवश्यक है और सही शब्द के लिए शब्दों का संकलन आवश्यक है यानी सही शब्दों को अगर उच्चारण करना है अभिव्यक्त करना है तो सही शब्दों का संकलन करना आवश्यक है यानी शब्दकोश सही शब्दों का संकलन है। शब्दों तथा भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता समझकर आरंभिक लिपियों के उदय से बहुत से पहले ही आदमी ने शब्दों का लेखा जोखा शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने कोष बनाना शुरू कर दिया। कोष में शब्दों को एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार शब्दकोश में शब्दों का कथा और भंडार यानी शब्द भंडार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द भंडार भी कहा जाता है यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों का समावेश हो शब्द उच्चारण का समावेश हो वर्तनी शब्द हो व्याकरण के शब्द हो ग्रामर के शब्द हो वो सभी शब्द जो अपन प्रचलन में काम में लेते हैं क्षेत्रीय शब्द हो विदेशी शब्द हो सभी शब्दों को एक शब्दकोश में शामिल किया जाता है। जब भी व्यक्ति उस किसी शब्द से शब्द का अर्थ जानना हो या शब्द के परिभाषा जानी हो तो शब्दकोश में जाके देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बड़े बड़े लेखक हैं या विद्वान उन शब्दों का अर्थ पढ़ भी नहीं आता तो उन शब्दों का अर्थ हम शब्दकोश के माध्यम से पता किया जा सकता है। अब रही बात है कि शब्दकोश का इस सहायक शिक्षण सामग्री में कैसे उपयोग है मतलब है कि एक शिक्षक जब शिक्षण करवाता है तो कई बार कई बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आती कोई शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होती उन शब्दों की जानकारी न होने के कारण बालक शब्दकोश में देखकर उसका अर्थ पता कर सकता है और उसकी परिभाषा बना सकता है यानी शब्दकोश शब्दों का भंडार होता है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे मोबाइल में हर चीज होती है वैसे शब्दकोश में भी हर शब्दों का अर्थ होता है हर शब्द की परिभाषा होती है हर शब्द का उसका विश्लेषण दिया होता है। इसका मतलब यह है कि शब्दकोश एक तरह का गूगल है। क्या है? गूगल माना जाता है क्योंकि हर शब्द का इसके अंदर उत्तर मिल जाता है। तो शब्दकोश एक शिक्षार्थी एक शिक्षणकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होती है और शब्दकोश कई तरह की होती है मैंने बताया अभी यार कई तरह की कई प्रकार की
हो सकती है। अब हम संत पुरुष के विविध समूहों का वर्णन